और महाराष्ट्र के बाद बिहार की कर लेते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर एलजेपी रामविलास को 5 सीटों पर मिला है टिकट। जीतनराम मांझी के हम को और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी को एक एक सीट मिल चुकी है। पशुपति पारस को यहाँ पर नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है क्योंकि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है, एक भी लोकसभा सीट उन्हें दी नहीं गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए से इस्तीफा भी दे सकते हैं। पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, लेकिन बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सबके सामने आ चुका है। 17 सीट पर बीजेपी, जेडीयू के खाते में 16 सीट गई है। और भाई ये जो सीट बंटवारा हुआ है बिहार के अंदर एनडीए का, उसके ऊपर चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है। 5 सीट देने के लिए एनडीए नेतृत्व को शुक्रिया भी अदा किया। ये खबरें आ रही है, खुद आपके चाचा ने ऐलान किया, उन्हें दरकिनार किया गया इस पूरे गठबंधन से और वो कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं और हाजीपुर में आपके खिलाफ महागठबंधन से आ सकते हैं या फिर निर्दलीय या अपनी पार्टी से ही आ सकते हैं वो। तो अगर वो आते हैं तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा, वो लड़ाई कैसी रहेगी, हाजीपुर की जनता किसे जिताएगी? भाई मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं ना कभी किसी चुनौती से डरा ना घबराया। पिछले 3 साल से मैं चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, एक के बाद एक। ऐसे में जो भी परिस्थिति बनेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। बट हाँ, इस बात का जवाब भी उन्हीं को ही देना। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में है उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। कि सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई क्योंकि एनडीए में सीटों के बंटवारे में चाचा पशुपति पारस पर भतीजे चिराग पासवान भारी पड़ गए। चिराग पासवान की पार्टी की झोली में 5 सीटें आई तो वही पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए। मतलब ये कि पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए की तरफ से इस बार के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके बड़े भाई पशुपति पारस दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे चाचा भतीजे में सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन सीटों की इस लड़ाई में बाजी भतीजे चिराग पासवान ने मारी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को एनडीए ने बिहार की वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई लोकसभा सीटों का टिकट थमा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर और इसी के साथ बिहार की कुल 40 सीटों पर घमासान के लिए बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सहमति बन गई और ये तय हुआ कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली। बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग मिलकर जीतेंगे। लेकिन सबकी नजरें हाजीपुर की उस सीट पर थीं जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे, वहां से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के दौरान ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखा दिए थे। पशुपति पारस इसी सीट से मौजूदा सांसद है, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काटकर भतीजे चिराग को हाजीपुर सीट का टिकट पकड़ा दिया। यानी टिकट की लड़ाई में भतीजे ने चाचा के सभी दांव को फेल कर दिया और हाजीपुर सीट अपने पाले में कर ली। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले तल्ख तेवर दिखाए थे और दो टूक बोल दिया था कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपति पारस 2019 में बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वो बिहार की अलौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी थे। 2019 में पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी। और कहा जाता है कि वहीं से दोनों परिवारों में तकरार ज्यादा बढ़ गई थी। गंडक नदी के किनारे बसा हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले का हिस्सा। वैशाली 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक नया जिला बना और हाजीपुर को वैशाली का मुख्यालय बनाया गया और 1977 के बाद हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ बन गया। यूं कहें कि हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना गया। 1977 और 1989 में तो उन्होंने वहां से बंपर वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। और वहीं बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराज पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। आज सुबह 11 बजे
दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। बड़ी खबर यही है कि ये जो पीसी होने वाली है, बस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान भी वो कर सकते हैं। पशुपति पारस ने एनडीए में 3 सीट मांगी थी, हाजीपुर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, समस्तीपुर, नवादा, ये 3 सीटें मांगी थी, लेकिन 3 क्या 2 क्या 1 भी सीट उन्हें नहीं मिली। अब इसी बात से वो नाराज है। चिराग पासवान को जिस तरह से तवज्जो दी गई है, चाचा उसके बाद नाराज है। और 11 बजे दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने आवास के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। और यही कहा जा रहा है कि पशुपति पारस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। हाजीपुर सीट जिसकी मांग चिराग पासवान ने भी की थी, जिसकी मांग पशुपति पारस ने भी की थी, जीत मिली चिराग पासवान को। तो बिहार में एनडीए में 1 भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस से बातचीत लगातार जारी है। सम्राट चौधरी ने बहुत जल्द कुछ सही होने का दावा भी कर दिया है। और वहीं बिहार एलजेपी अध्यक्ष राजू तिवारी ने एनडीए के 40 की 40 सीट जीतने का दावा भी ठोक दिया। पिछले बार 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस के नाराज, उनसे वार्ता चल रहा है, एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, वार्ता चल रहा है। हमारा पुराना गठबंधन में हमको मिल चुका है, बार बार एक ही बात को कहना कहीं से उचित नहीं होगा। 6 सीट और 1 राज्यसभा की सीट पहले से हम लोग का रहा है, और हमारे बड़े नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में है, और जो भी होगा अच्छा होगा। और बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद पशुपति पारस गुट में बेचैनी अब और बढ़ गई है। दिल्ली में आज नीतीश कुमार से पशुपति पारस मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस ने नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है। नीतीश से मुलाकात के बाद पशुपति पारस अपना आखिरी फैसला लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ये अहम जानकारी दिल्ली से मिल रही है, जहां नीतीश कुमार और पशुपति पारस की आज मुलाकात होने वाली है। और इसी मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले पशुपति पारस की तरफ से लिए जा सकते हैं, और उसका ऐलान भी इसी मुलाकात के बाद पशुपति पारस करेंगे। तो मिलने का समय नीतीश कुमार से उन्होंने मांगा है। जिस तरह से उन्हें सीट दी गई है एनडीए के अंदर लोकसभा चुनावों में, उसी से खासे नाराज हैं। एक तरफ तो सीट नहीं मिलना और दूसरी तरफ चिराग पासवान का कद बढ़ना, 5 सीट उन्हें मिल जाना लोकसभा चुनावों की, यही बात बस चुभ गई है पशुपति पारस को। और वो एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, बड़ा ऐलान करेंगे जरूर, लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। और बिहार में एनडीए में जेडीयू को 16 सीट मिलने पर केसी त्यागी ने खुशी जाहिर की है। साथ ही बिहार में एनडीए के 40 में 40 सीट जीतने का बड़ा दावा भी कर दिया। कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार 39 जीते थे 40 में से, इस बार क्या आंकड़ा होगा? देखिए, मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा, आप ही के चैनल, कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। आप कह रहे हैं नॉन पॉलिटिकल एडवेंचर, 40 में से कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार कितने जीते थे? 39, एक और बढ़ा दीजिए 40, 70%। और वो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग को हरा देंगे, हालांकि उनके सीटों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार आप लोग को मात देंगे, जेडीयू की सीट कम होगी, बीजेपी की भी। नया नेतृत्व है और जोश में है, अभी रैली हुई है। मैं इस प्रकार की रैली आरजेडी की पिछले 40 वर्षों से देख, जब भी रैली पटना में या रेला होता था लालू जी का, उनकी सीटें भी घटती थी और वोट भी घटती थी। उनकी जो आक्रामकता है वो जनता के बड़े हिस्से को परेशान करती है और आंदोलित भी करती है। लिहाजा जो दावा इंडी गठबंधन का हो, यूँ तो वैसे इंडी गठबंधन अब बचा भी नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से अलग हुए हैं वो इसके कर्ता धर्ता थे, उनके निकलने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से तार तार हो गया। अब कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ 1 गठबंधन है, दैट इज एनडीए 400 पार।